जी सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जन्मदिन के दो फिल्में मिली हैं और भैया का जिस तरह आपके साथ सपोर्ट है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का दिन है आज मेरे लिए, और आप जो हमारे बहुत ही परम मित्र रविशंकर सिंह जी हैं, जो सत्यदेव फिल्म प्रोडक्शन के ऑनर हैं, प्रोपरेटर हैं, और आज मेरे जन्मदिन पर मुझे दो फिल्में मिली, और हमारे परम मित्र, मेरे गार्जियन स्वरूप, मेरे बड़े भाई संग्राम सिंह पटेल जी को हमने साइन किया, मुझे बहुत खुशी है। और दो फिल्म हम लोग साथ में लगातार कर रहे हैं, और इसके पहले हाईकोर्ट कर रहे हैं हम लोग शूट पे, प्लस आप जो है रविशंकर जी, इसके पहले हमने भगवान हाजिर रख लिया था, फिर आप प्लीज आइए। नमस्कार भोजपुरी दर्शकों को, सचिन जी हमारे दोस्त हैं, इनका जन्मदिन है, जन्मदिन के मुबारक पर इनके गिफ्ट के रूप में दो फिल्म साइन किए हैं, फिल्म लाइन में ये हमको लाए थे, इसलिए अच्छा है। नहीं, बहुत से डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होता है डायरेक्टर रिपीट नहीं करते हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा मैंने देखा है कि दूसरी बार उनके साथ काम नहीं करते हैं, एक बार भी कर लिए तो दूसरी बार नहीं। आपने लगातार तीन फिल्में करने का प्लान बनाया है, तो कैसा क्या है कुछ, मतलब कुछ बताना चाहेंगे? सचिन जी अच्छे इंसान है, डायरेक्टर कम है, फिल्म को अपना मान के बनाते हैं। तो कब तक ये शूटिंग? आप जो है मजे हुए कलाकार हैं, मजे हुए प्रोड्यूसर हैं, और आपकी भी तो लगातार बैक टू बैक फिल्में कर रहा हूँ संग्राम भैया की, तो जिसके साथ मैं रहता हूँ तो कोशिश ये मेरी रहती है कि मैं एक सिनेमा में जो है डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर ज़्यादा मैं सोचता हूँ, प्रोड्यूसर के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि जब डायरेक्टर अपनी फिल्म समझ करके करेगा तो कैसे कंट्रोल करता है बजट को, कैसे मेहनत करके उस मेकिंग में कोई कंप्रोमाइज़ भी ना हो, और चीज़ों को किस तरीके से सुव्यवस्थित करके उसको सिनेमा को जो है मेकिंग करे, वही सबसे बेहतर होता है मेरे माध्यम, मतलब जो मेरी सोच है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे से 10 साल आप सब बड़े हैं, तो मेरे कर्म को देखते हुए जो लोग मेरे मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे काम को जानते हैं, वो हमेशा मुझे रिपीट करेंगे, ये मेरा सौभाग्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।